बुल्लावाला डोईवाला मार्ग स्थित सुसवा नदी पर जल्द ही पुल निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर विभागीय और कार्यदायी कंपनी की टीम मौके पर पहुंच कार्य को जल्द से जल्द निपटाने की रूपरेखा बनाने में जुटी है। कार्य करने वाली कंपनी के अधिकारियों ने मौके पर पहुंच राहगीरों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो इसके लिए रूपरेखा तैयार की। बरसात से पहले पुल के पिलर बनाए जाने की बात कही। बता दें कि बुल्लावाला के ग्रामीण वर्षों से इस पुल को बनाए जाने की मांग कर रहे थे। बरसात में राहगीरों को इस नदी से निकलना भी दूभर हो जाता था। बरसात के बाद देहरादून शहर के शिविर का काला बदबूदार पानी यहां के ग्रामीणों के लिए मुसीबत से कम नहीं है। मजबूरन राहगीरों को इस पानी से होकर गुजरना पड़ता था। हालांकि नदी का जलस्तर कम होने के बाद ग्रामीणों को स्वयं ही इस नदी पर कच्चे पुल का निर्माण करना पड़ता है, लेकिन सर्दियों में बारिश होने की वजह से ये पुल भी बार बार क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आचार संहिता खत्म होते ही 5 जून से पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। ग्रामीणों ने सरकार का आभार भी जताया है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। आज कुछ लोग यहाँ पर जो पुल संबंधित काम को लेकर आए, उन्होंने आज बोरिंग के संबंध में और जो यहाँ पर मशीन आनी है, बड़ी मशीन जो पुल के काम के लिए बोरिंग के लिए आनी है, उसके संबंध में ग्रामीण से बात की कि कहाँ से किस रास्ते से यहाँ पर मशीन लाई जा सकती है। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही जल्द इस पुल का कार्य शुरू होने वाला है। इस बरसाती नाले से लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों की जो आवागमन बुल्लावाला का आवागमन इस रास्ते से होता था, बाधित होता था। और कभी स्कूल के बच्चे और कॉलेजों में जो बच्चे जाते हैं उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। कोई बीमार हो जाता था तो हमारा डोईवाला से बिल्कुल इस पानी की वजह से, नदी की वजह से कट।